पीडीपी गठबंधन टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हो गया है और अब राज्य की कमान राज्यपाल एन एन वोहरा के हाथों में आ गई है। लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल 28 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अमरनाथ यात्रा खत्म होने तक एन एन वोहरा के कार्यकाल को आगे बढ़ा सकती है या फिर किसी और को राज्य का नया राज्यपाल बना सकती है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं गोनू संवाददाता रमन ममगई। भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से समर्थन वापस लिया और अब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन है और 28 जून को राज्यपाल एन एन वोहरा रिटायर होने वाले हैं और 28 जून से ही अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो ये माना जा रहा है कि जो एन एन वोहरा हैं उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। नए नामों पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन साथ ही ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है उन्हें कहा जाए कि जब तक अमरनाथ यात्रा चल रही है तब तक आप इस पद पर बने रहें। हालांकि उनका दूसरा कार्यकाल है, 2008 में वो पहली बार बने थे गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के, उसके बाद 2013 में उनका कार्यकाल को विस्तार मिला, लेकिन उनकी उम्र अभी 82 साल हो चुकी है और सूत्रों के माने तो उन्होंने अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाने को लेकर अनिच्छा जाहिर की है। तो अब नए नाम कौन हो सकते हैं जो कि जम्मू कश्मीर का गवर्नर का जो है दायित्व संभालेंगे, उसमें दलबीर सिंह सुहाग का नाम भी सामने आ रहा है, साथ ही दिनेश्वर शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी क्योंकि सरकार पिछले कई दिनों से आलोचना से जूझ रही है, आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हुई है और सबसे बड़ी बात है आने वाले वक्त में अमरनाथ यात्रा है, जिसको लेकर सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, किसी तरह की भी कोई अप्रिय घटना वहाँ ना हो। रफीक के साथ रमन उंगाई, गो न्यूज़, दिल्ली।